मतगणना से पहले अखिलेश का कैसा बड़ा आरोप। मतगणना से पहले कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया। अखिलेश की सुप्रीम कोर्ट से कैसी अपील। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने हैं और नतीजों का ही ये दिन। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना से पहले यूपी के कई जिलों में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया गया। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मिर्जापुर, अलीगढ़, कन्नौज के अलावा यूपी के कई जिलों में डीएम और पुलिस प्रशासन विपक्ष के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद करने का अवैधानिक कार्य कर रहे हैं, जिससे वे मतगणना में हिस्सा ना ले सकें। अखिलेश ने इसके साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक घर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, अपने मत की रक्षा का अधिकार हम सबको है, और तब तो और भी ज्यादा जब कोर्ट द्वारा लगाए गए कैमरों के सामने भी धांधली करने का दुस्साहस करने वाली सरकार सत्ता में हो। जरा ये वीडियो देखिए। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपी के डीजीपी और यूपी पुलिस को टैग करते हुए मामले पर संज्ञान लेने को कहा। वहीं अखिलेश के इन आरोपों को अलीगढ़ के एसपी ने एक बयान जारी कर खारिज किया। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को नजरबंद नहीं किया गया, और जो वीडियो उन्होंने शेयर किया वो अलीगढ़ का नहीं है। जरा ये वीडियो देखिए, एसपी क्या कुछ बता रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं, जिसमें यह बात बताई जा रही है एक वीडियो दिखाकर कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को अलीगढ़ जनपद में नजरबंद किया गया है। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि अलीगढ़ जनपद में किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता को किसी भी प्रकार से नजरबंद नहीं किया गया है, और ना ही जो वीडियो उस ट्वीट द्वारा दर्शाया जा रहा है वो अलीगढ़ जनपद से संबंधित है। बता दें कि लोकसभा सीट 543 है और 7 चरणों में मतदान हुए। मंगलवार यानी कि 4 जून को नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है और जल्द ही परिणाम सामने आएंगे। पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम से मतों की गिनती होनी है।